Assalamu alaikum, my dear students. This is Waqar Bey. Today, lecture is going for the ETA students, chapter number 7, acid and base. This is the part 1. Okay. Part 1 for ETA students. Student, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप देखें लफ्ज एसिड जो है वो एसिडस से निकला है, जिसका मतलब है सावर, खट्टा। जिस चीज का टेस्ट खट्टा होगा वो एसिड होगा, पुराना ये कहा जाता था। जैसे कि नींबू ले लें, जैसे कि माल्टा ले लें, जैसे कि सिरका ले लें, उनका टेस्ट खट्टा है, दैट वन विल बी कॉल्ड एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड, पान और उसमें सिरके में एसिटिक एसिड होता है, तो उनका टेस्ट खट्टा होता है, दैट विल बी कॉल्ड एसिड। इसी तरीके से अगर आप ले लें बेस, तो बेस का लफ्ज बेसिडस से निकला है और बेसिडस का मतलब है सोपी टच। अगर आप साबुन को हाथ लगाएं तो वो आपको नरम मुलायम नजर आएगा। इसी तरीके से अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाथ लगाएं वो भी आपको नरम मुलायम नजर आएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड इट हैविंग द नरम मुलायम टच एंड दे हैव द सोपी टच, सो दैट वन विल बी कॉल्ड एज बेस। लेकिन ये चीजें काफी नहीं है एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। कभी सल्फ्यूरिक एसिड ट्राई करें, आपको पता लग जाएगा। Anyhow, joke apart, let's discuss what are the concepts जो acid and base को explain कर सकते हैं। आपने एक concept पढ़ा होगा जिसे कहा जाता है Arrhenius concept। ईटा वालों, Arrhenius concept में चली ली जा रहा हूँ, ठीक है। Arrhenius concept का जो ताल्लुक है वो दरअसल हाइड्रोजन आयन के साथ है और हाइड्रोक्सन आयन के साथ है। हर वो स्पीशी विच gives hydrogen ion कहा जाएगा acid, और हर वो species which gives hydroxyl ion उसे क्या कहा जाएगा, base कहा जाएगा। So acid gives hydrogen ion and base gives hydroxyl ion। जैसे कि अगर आप देख लें, आपने HCl को पानी में डालें, तो HCl को पानी में डालने से अगर आप देखें तो आपके पास hydrogen ion बनेगा और plus chloride ion, देखें क्या दे रहा है हाइड्रोजन आयन, उस लिहाज से ये एसिड हो जाएगा। और अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालें तो इससे आपके पास सोडियम आयन बन रहा है और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, देखें हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है, तो उस लिहाज से ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड बेस गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला, ये सिर्फ वाटर के साथ कंसर्न है, ओनली वाटर के साथ, पानी में डालेंगे तब पता लगेगा। दूसरा, अगर आप गैशियस फेस में लेंगे, व्हेन यू आर टेकिंग इन गैशियस फेस, तब ये एक्सप्लेन नहीं होगा। तीसरा, अगर आप देखें, बताएं कार्बन डाइऑक्साइड में कोई हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, आपको पता है, तो उस लिहाज से ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये इतना कामयाब कंसेप्ट नहीं है। अब अगर हम आगे जाएं टुवर्ड्स अनदर कंसेप्ट, तो हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वन इज द लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के बारे में अगर आप देखें, लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड का ताल्लुक, तो पहला बात बता दूं, इसको एक और नाम दिया जाता है, याद रखें, द प्रोटोनिक कंसेप्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटोनिक कंसेप्ट, मीन्स इसका जो ताल्लुक है वो प्रोटॉन के साथ। Regarding to Lowry and Bronsted concept, acid is a proton donor and base is a species which is a proton acceptor. जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन लेता है वो क्या होगा, बेस होगा। चेक करते हैं, अगर आप HCl को पानी में डालें तो अगर आपको पता है प्रोटॉन देगा Cl नेगेटिव और प्लस आपके पास हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो अगर आप देखो ये प्रोटॉन दे रहा है तो प्रोटॉन देने वाला क्या होगा, एसिड। वाटर प्रोटॉन ले रहा है तो इसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर आप एक काम करें, अगर आप अमोनिया को पानी में डालें, व्हेन यू डिसॉल्व अमोनिया इन वाटर, तो आपको पता है कि अमोनिया वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन एंड इट विल फॉर्म द हाइड्रोक्सिल आयन। तो बताओ क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला क्या स्पेशी होगा, बेस, और प्रोटॉन देने वाला क्या होगा, एसिड, दैट्स इट। लेकिन एक पॉइंट आप नोट कर लोगे, that water is behaving like a base and as well as like a acid, so that is why water, wo cheez jo acid aur base behave kare, kya kehte hain use,
दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक. क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक. सो वाटर इज एम्फोटेरिक. इट मे बिहेव लाइक एन एसिड एंड एज वेल एज लाइक अ बेस. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. एक बात जरा गौर से देखिएगा. अगर आप इस क्लोराइड आयन को देखें तो देखें एक बात मेरी याद रखिएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आयनाइजेशन है एसिड को पानी में डालो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो इसलिए मैंने अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे जो जिक्र किया है वो कुछ इस तरह है कि मैंने जब HCl को पानी में डाला इससे क्लोराइड बना तो ये क्लोराइड दोबारा भी कन्वर्ट हो सकता है. जब बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करो, अच्छा बैकवर्ड डायरेक्शन में जरूर करो, क्लोराइड नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू HCl. कैसे कन्वर्ट हो सकता है? प्रोटॉन को क्या कर रहा है? वो हाइड्रोनियम आयन से दोबारा लेगा. तो जब प्रोटॉन को लेगा तो प्रोटॉन को लेने वाला तो मैं भी कहा है कि क्या होगा? बेस. तो क्लोराइड नेगेटिव बेस है. लेकिन चूंकि ये बेस है आया कहां से? एसिड से. तो इसको एक और नाम दिया जाता है. दैट वन इज कॉल्ड एज कंजुगेट बेस. बोलो सर क्या कहा जाता है? कंजुगेट बेस. यस. इसी तरीके से अगर आप देखो अमोनियम आयन को रिवर्स डायरेक्शन में देखो तो अमोनियम आयन दोबारा प्रोटॉन लॉस करेगा. तो बताओ प्रोटॉन देने वाला क्या कहलाया जाता है? एसिड. लेकिन ये बताओ ये किसका हिस्सा है? बेस का हिस्सा है. तो इसे क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज कंजुगेट एसिड. ऊपर वाला क्या है? कंजुगेट बेस. और नीचे वाला कंजुगेट एसिड. इसका मतलब यह है कि हर एक एसिड का जो नेगेटिव आयन होता है, बताओ इसमें क्या चार्ज है? नेगेटिव. क्या कहलाया जाता है? कंजुगेट बेस. पॉइंट टू बी नोटेड. पॉइंट टू बी नोटेड. रेड मार्कर से देख रहा हूं कि हर एक एसिड का जो नेगेटिव आयन है वो कहलाया जाएगा कंजुगेट बेस. ठीक है, इसी तरीके से बताओ ये बेस है, इसमें क्या चार्ज है? इसमें पॉजिटिव चार्ज है. क्या कहलाया जाएगा? कंजुगेट एसिड. इसका मतलब यह है कि हर एक बेस का कौन सा पार्ट जो पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, उसे जनरली क्या नाम दिया जाएगा? कंजुगेट एसिड का नाम दिया जाएगा. कीप इन माइंड हर एक एसिड का बेस होता है, हर एक बेस का एसिड होता है, लेकिन हर एक एसिड का कौन सा पार्ट नेगेटिव पार्ट क्या कहलाया जाता है? कंजुगेट बेस. अब एक काम करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं एग्जांपल कुछ एसिड्स की. मैं एसिड्स की एग्जांपल लिखता हूं और तुमने मुझे बताना है इनका कंजुगेट बेस. गेट रेडी. आर यू रेडी? ओके चलो, याद रखना है एसिड का कौन सा पार्ट? नेगेटिव पार्ट लेना है. बताओ HCl, HCl का नेगेटिव पार्ट क्या आता है? Cl नेगेटिव. क्या कहलाया जाएगा? कंजुगेट बेस. ऊपर डिस्कस किया. अच्छा अब बताओ HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या आता है? NO3 नेगेटिव. दैट विल बी कंजुगेट बेस. इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं H2SO4, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है. जब एक प्रोटॉन लॉस करे तो आप कहोगे HSO4-, अगर दोनों लॉस कर ले तो दैट विल बी SO4-2. तो ये दोनों हमारे पास क्या कहलाए जाएंगे? कंजुगेट बेस कहलाए जाएंगे. क्लियर है जी? इसके लिए एक और चलो बताओ, ये बताओ HCN भी एसिड है, वीक एसिड है. बताओ इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है? CN नेगेटिव. इसे साइनाइड कहते हैं. तो ये क्या कहलाया जाता है? कंजुगेट बेस. एक और बात बताता हूँ, H2S भी एसिडिक है. अगर ये प्रोटॉन लॉस कर ले तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू HS-. तो HS- अगर दोनों लॉस कर ले दैट विल बी कन्वर्टेड टू HS-2. तो क्या कहलाया जाएगा? कंजुगेट बेस. पॉइंट टू मिनट ये तुम्हारे लिए नया है. इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3. एक प्रोटॉन लॉस करे HCO3-, दो लॉस कर ले CO3-2. क्या कहलाया जाएगा? कंजुगेट बेस. तो इसका मतलब यह है कि हर एक एसिड का कौन सा पार्ट नेगेटिव पार्ट क्या कहलाया जाएगा? कंजुगेट बेस. इसी तरीके से मुझे ये बताओ, अब मैं लिखता हूं बेस और तुमने मुझे उसके कंजुगेट एसिड्स बताने हैं. क्या बता रहे हैं? कंजुगेट एसिड. किस बात का ख्याल रखना है जी? बेस का कौन सा पार्ट? पॉजिटिव आयन. कीप इन योर माइंड. ओके चलो सिंपल, ये बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव आयन इसका कौन सा होगा? सोडियम आयन होगा. तो दैट इज Na पॉजिटिव है. और आप मुझे बताओ Na पॉजिटिव क्या कहलाया जाएगा? कंजुगेट एसिड. इसी तरीके से बताओ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा? पोटेशियम आयन होगा. क्या कहलाया जाएगा? कंजुगेट एसिड. चलो ये बताओ, जल्दी से बताना अमोनिया का बता सकते हो? जल्दी से बताओ, जल्दी से. शायद अभी डिस्कस किया है. यस, कहाँ डिस्कस किया है? ये रहा अमोनिया. कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट. तो अमोनिया का जो है अमोनियम आयन क्या कहलाया जाएगा? कंजुगेट एसिड कहलाया जाएगा. क्लियर है जी? एसिड का नेगेटिव पार्ट और बेस का पॉजिटिव पार्ट. सो दैट वन विल बी कॉल्ड एज एसिड एंड कंजुगेट बेस पेयर. ठीक है, क्या तुमने एक और नाम सुना है? इसी लोरिन बॉशन कंसेप्ट को आगे ले जाते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ बात.
यहां देखो, ये बताओ तुम लोगों ने नाम सुने टाइप्स ऑफ एसेट्स के, शायद सुने होंगे। एक होता है मोनोप्रोटिक, मोनोप्रोटिक, एक होता है डाइप्रोटिक, एक होता है पॉलीप्रोटिक। मोनोप्रोटिक वो विच गिव्स वन प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन दे उसे मोनोप्रोटिक कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखें HCl हो गया, जैसे कि HNO3 हो गया, जैसे कि HI हो गया, ये मोनोप्रोटिक है। डायप्रोटिक वो होते हैं विच गिव्स टू प्रोटॉन, जो दो प्रोटॉन दे, जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 हो गया, इसके अलावा H2CO3 हो गया, इसके अलावा H3PO3 पॉइंट टू बी नोटेड, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। इसका नाम है फास्फोरस एसिड। कौन सा एसिड है? फास्फोरस एसिड है। तो याद रखो तुम्हें इसमें नजर आ रहा है तीन हाइड्रोजन, लेकिन ये ट्राइप्रोटिक नहीं है, बल्कि ये कौन सा प्रोटिक है? डायप्रोटिक है, कीप इन योर माइंड। इसी तरीके से पॉलीप्रोटिक विच गिव्स मैनी प्रोटॉन, जो बहुत सारे प्रोटॉन दे, यानी मैनी का मतलब ये है कि मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज्यादा दे। इसमें हमारे पास है H3PO4 पॉइंट टू बी नोटेड, दिस वन इज एक्चुअली फास्फोरिक एसिड, इसे हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं। तो फास्फोरिक एसिड में तीन प्रोटॉन, ये तीन ही दे सकते हैं, फर्क है इसमें। ये कौन सा एसिड है? फास्फोरस एसिड। कौन सा एसिड है? डायप्रोटिक एसिड है। ये फास्फोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? ट्राइप्रोटिक आता है, पॉलीप्रोटिक में आता है, लेकिन पॉलीप्रोटिक में भी कौन सा है? ट्राइप्रोटिक, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट इज लोअर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लेकिन अभी बात नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। एक और बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, अभी तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है, ईटा वालों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HCl पानी में डालो, अभी तुमने डाला Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं CH3COOH एसिडिक एसिड ले लूँ H2O, एंड दैट विल गिव यू CH3COO नेगेटिव एंड प्लस H3O पॉजिटिव, देखो दोनों प्रोटॉन दे रहे हैं, लेकिन क्या HCl और एसिडिक एसिड में तुम्हें कोई फर्क नजर आ रहा है? HCl के बारे में कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिडिक एसिड के बारे में कहा जाता है कि ये वीक एसिड है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, कोई बता सकता है क्यों? तुम्हारे मुंह से मुझे जवाब आ रहे होंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज होता है और ये पार्शली आयनाइज होता है। नहीं, ये काफी नहीं है, नो 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 नो, कंप्लीटली आयनाइज क्यों होता है, पार्टली आयनाइज क्यों होता है, ये भी तो जरूरी है ना जानना। तो सुनो, ये कंप्लीटली आयनाइज होता है, क्लोराइड आयन बनते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, लेकिन दोबारा इसमें कन्वर्ट बहुत कम होते हैं। एसिटिक एसिड एसिटेट आयन में बनता है, लेकिन ये दोबारा इसमें ज्यादा कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये है कि ये अनस्टेबल होता है, दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास क्या है? स्टेबल है। तो याद रखें, ये आपके पास क्या है? स्टेबल है। स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव। अगर आप यहां पे देखें, ये हमारे पास क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या है? मोर रिएक्टिव। जैसे मिलेगा हाइड्रोजन, दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिडिक एसिड में। तो पॉइंट टू बी नोटेड। तो अगर आप यहां पे देख लें, ये बात हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होगी कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि उससे जो बनने वाले आयन है वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, तुम्हारे पास एक नया पॉइंट आ गया है। हर वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, हर वो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, जिससे जो बनने वाला आयंस क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात तो मैं क्लियर हो गई। हर वो एसिड वीक होगा, जिससे बनने वाला आयंस क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये बात तो मैं क्लियर हो गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी, जहन में रखना। अच्छा मुझे बताओ, स्टेबल है, स्टेबल का मतलब क्या होता है? लेस रिएक्टिव, ठीक है। अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब क्या है? मोर रिएक्टिव, ठीक है। दोनों पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज है तो बताओ ये दोनों तुम्हारे पास क्या है? अभी डिस्कस किया,
कंजुगेट बेस डिस्कस किया, नेगेटिव चार्ज एसिड का कौन सा पार्ट नेगेटिव पार्ट क्या कहलाया जाता है, कंजुगेट बेस, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा, नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव मतलब प्रोटॉन को फोरन गेन करेगा, मतलब क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे पास क्या है, स्ट्रांग बेस है, ये तुम्हारे पास कौन सा होगा, स्ट्रांग बेस। और ये क्या है, स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, तो हम कहेंगे क्लोराइड आयन जो है ये वीक कंजुगेट बेस है। पॉइंट डुप्लीकेट किया, पॉइंट तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पास पॉइंट आया कि जितना एसिड स्ट्रांग होगा उतना स्टेबल होगा, लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव का मतलब क्या है, वीक बेस होगा। इसका मतलब ये है कि स्ट्रांग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, प्रूफ हो गया। इसके बाद ये बताओ कि वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब इस पे एमसीक्यूज आते हैं, इसमें क्या एमसीक्यूज आते हैं, इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करना, जवाब देना, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रांग होता है। जल्दी से बताना है, ठीक है, चलो जल्दी से बताएंगे। ये बताए एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज है, ये बताओ इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। ऑप्शन ए एनओ थ्री माइनस वन, ऑप्शन बी सी एन माइनस वन, ऑप्शन सी आई माइनस वन एंड ऑप्शन डी सी एल माइनस वन। जल्दी से बता दो कौन सा कंजुगेट शब्द इस्तेमाल करोगे भाई, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो आयन होंगे वो वीक होंगे और जो वीक एसिड से आए होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। पहले बताओ एनओ थ्री कहाँ से आया है, एच एनओ थ्री से, सी एन कहाँ से आया है, एच सी एन से, आयोडाइड कहाँ से आया है, एच आई से, क्लोराइड कहाँ से आया है, एच सी एल से। तो सुनो ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, सॉरी ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, लेकिन एच सी एन जो है वीक एसिड है, तो वीक एसिड का जो आयन होगा वो क्या होगा, सबसे स्ट्रांगर बेस होगा। मेरे ख्याल से इस बार भी कोई एमसीक्यू से रिलेटेड आया था, दिस इज द कंसेप्ट ओवर। तो यानी जो नेगेटिव पार्ट होंगे उनमें से बताएंगे सबसे मोस्ट बेसिक कौन सा, कंफ्यूज मत होना, याद रखें जो स्ट्रांग एसिड से आया होगा वो वीक एसिड वीक बेसिक होगा, जो वीक एसिड से आया होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग बेस होगा। तो इसमें ये होगा। अच्छा एक और बात बताओ, एक और एमसीक्यूज आया था कि एमसीक्यूज ये है कि विच वन कैन कैन गिव एंड गेन प्रोटॉन, कौन सा प्रोटॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। ऑप्शन ए एसओ फोर माइनस टू, ऑप्शन बी एच सी ओ थ्री माइनस, ऑप्शन सी दैट इज एच टू ओ, और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। बताइए जी कौन सा प्रोटॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो आई वी थिंक इट्स वेरी सिंपल, इसके पास प्रोटॉन है ये दे भी सकता है, नेगेटिव चार्ज है ले भी सकता है, वाटर प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन गेन भी कर सकता है। तो याद रखिए ये प्रोटॉन डोनर भी है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। पॉइंट इज नोटेड, प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन डोनर भी हो और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो उसे एक और भी नाम देते हैं, That one is amphiprotic. थोड़ा क्या कहा जाता है, amphiprotic. एक होता है amphoteric. Amphoteric. Amphoteric, which may behave like an acid and as well as like a base. जो acid भी behave करे और base भी behave करे उसे हम क्या कहेंगे, amphoteric कहेंगे। एम्फीप्रोटिक जो प्रोटॉन डोनर भी हो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो, कीप इन योर माइंड। लोरी एंड बॉस्टर का कांसेप्ट यहां पे क्लियर होता है। दो एमसीक्यूज यहां पे आ सकते हैं, एक ये स्ट्रॉन्गर बेस वाला और एक ये वाला, और आप बता सकते हैं कि जो एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो उसके जो बनने वाले आयंस होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, आपको याद रखिएगा, पिक्चर लेनी है ले लो, ठीक है, बाद में कह रहे हैं कि पिक्चर लेनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके या ठीक है। नाउ आई मूव ऑनवर्ड, तीसरा कौन सा कंसेप्ट था, पहला था आर्गेनियस, दूसरा कौन सा था, आवाज नहीं आ रही, लोरी एंड
ब्रॉन्स्टेड। तीसरा जो कंसेप्ट हमारे पास है, द थर्ड कंसेप्ट दैट आई हैव, दैट वन इज लिविस कंसेप्ट। ओके बताओ अर्गिनियस का ताल्लुक किससे था? हाइड्रोजन आयन से, हाइड्रोजन आयन से। लोरियन भाषा का ताल्लुक प्रोटॉन से। लिविस कंसेप्ट का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ है। कीप इन योर माइंड, किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ है। ओके जी, वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, ये बार बार इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कैसे है डिस्कस करते हैं। लिविस एसिड क्या होता है और लिविस बेस क्या होता है? लिविस एसिड, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। दूसरा, कौन चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज। तो कह दो कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी विल बी कॉल्ड एज लिविस एसिड, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि पॉजिटिव चार्ज आपके पास सिल्वर आयन हो सकता है, जैसे कि आपके पास पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन हो सकता है, जैसे कि आपके पास सोडियम आयन हो सकता है, एग्जांपल के तौर पर लिख सकता हूँ। इसी तरीके से जिस चीज भी पॉजिटिव चार्ज हो एक लिहाज से तुम उसे क्या कह सकते हो? लिविस एसिड कह सकते हो। तीसरा शुरू, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, ठीक है। तीसरी शर्त बता देता हूँ, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो आउटर शेल में, BCl3, AlCl3, सुनो बोरान थर्ड ग्रुप का मेंबर है, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन के साथ शेयर के लिए, 3 और 3 कितने हो गए? 6 पूरे हो गए, कितने की कमी है? 2 की कमी है। तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। क्या काम करेगा देखो अभी आपने, BCl3 अमोनिया के साथ रिएक्शन करो स्टूडेंट, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है पूरा, फिर भी बताता हूं यहां पे ध्यान रख लेना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दिए जाते हैं ना, तो इससे जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोलाइडर बॉन्ड होता है। तो हमारे पास अब ये बन जाएगा, अमोनिया को ऐसे भी लिख सकता हूँ, H3N कोऑर्डिनेट कोलाइडर बॉन्ड एंड विद द BCl3। कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन? अमोनिया। इसलिए इसमें क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये बताएं कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है? बताओ जल्दी से, बताओ, आवाज नहीं आ रही मुझे। कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है? BCl3। तो मुझे बताओ इस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। एनी हाउ लोन पेयर देने वाला स्पीशी हमारे पास लिविस बेस होगा, और याद रखें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला हमारे पास क्या होगा? लिविस एसिड। तो BCl3 क्या है? लिविस एसिड है। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द लिविस एसिड। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। दूसरा मैंने क्या कहा? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। तीसरा मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दैट वन विल बी कॉल्ड एज लिविस एसिड। एक और बात याद रखना, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। इसे दूसरा नाम कैसे दे सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और यह तमाम चीजें, दैट वन विल बी कॉल्ड एज लिविस एसिड। इसी तरीके से अगर हम अगला देखें, सो दैट वन इज द लिविस बेस। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। लिविस बेस के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, दैट विल बी कॉल्ड एज लिविस बेस। इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं, दूसरा कौन इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? यानी आप कह सकते हैं जिस पे नेगेटिवली चार्ज हो, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी विल बी आल्सो कॉल्ड एज लिविस बेस। और स्टूडेंट मुझे बताओ नेगेटिवली चार्ज कौन कौन से होते हैं? OH नेगेटिव हो गया,
दैट इज CO3-2 हो गया, ये सारे नेगेटिवली चार्ज हैं, इनको सारों को क्या कहोगे, लेविस बेस कहोगे। और तीसरा अगर कंसेप्ट देखें, यहाँ पर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहा था लेविस एसेट में, और इस तरीके से यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, सो दैट वन इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो, सो दैट वन विल बी कॉल्ड एज लेविस बेस। इसी तरीके से यहाँ पे आपने कहा था इसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, यहाँ पे आप कहेंगे कि इसे जनरली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। सो दिस आर द कंसेप्ट रिगार्डिंग, यू कैन से दैट लेविस कंसेप्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अगर आपसे मैं कहूँ कि सबसे मोस्ट जनरलाइज्ड कंसेप्ट जो है वो कौन सा है, तो याद रखें लेविस कंसेप्ट इज द मोस्ट जनरलाइज्ड कंसेप्ट। एक एमसीक्यू का जवाब दीजिएगा जी, के अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा एसिड है, चार का तीन कंसेप्ट पढ़े हैं, आर्गेनियस कंसेप्ट पढ़ा है, लोरी एंड ब्रॉस्टेड कंसेप्ट पढ़ा है, और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है, लेविस कंसेप्ट। बताएं इन तीनों कंसेप्ट के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा कंसेप्ट, कौन सा एसिड है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लेविस एसिड, ये हमारे पास लेविस एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेविस एसिड है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये से है, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर आप इसे हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्टूडेंट ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे ही कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। तो अब मुझे बताओ इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन रहा है, OH। अब मुझे बताओ ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला स्पीशी हमारे पास क्या कहलाया जाता है, लेविस एसिड कहलाया जाता है। पॉइंट ऑफ नोट स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। चलो ये बताओ एक और सवाल देखो, तो कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, पहले बताओ। याद रखो मैं बता देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो पहले तो ये पता लग जाए कि ये बेसिक है, अगर ये बेसिक है तो कौन सा बेसिक है ये जानना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में जानना है कि ये कौन सा बेसिक है, समझाता हूँ स्टूडेंट। कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो, तो कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन पे -2, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। -2 का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए इसने, तो यहाँ पे देखो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस पर ये हुआ है। तो अब मुझे बताओ जब तुम इसे रिएक्शन करवाओगे, व्हेन यू रिएक्ट देम, चलो एक काम करते हैं किसके साथ रिएक्शन करवा दें, मैं इसको रिएक्शन करवाता हूँ SO3 के साथ। तो SO3 के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे SO3, तो ये क्या काम करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो हमारे पास इसे ये बन जाएगा CA+2, तो अपनी जगह पर रहेगा। SO3 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 में, एंड SO4 विल गेट -2 चार्ज। जल्दी से बताओ इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, और इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला हमारे पास क्या है, लेविस बेस हुआ। तो याद रखो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है, बेसिक है, और कौन सा बेस है, लेविस बेस है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओके। बाकी हमारे पास कंसेप्ट लक्स फ्लैट कंसेप्ट है, रही विजोनोविच कंसेप्ट में आपके कोर्स में शामिल नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका। अब एक काम करते हैं, और आपको एक चीज बता दूं एसिड एंड बेस के साथ कि आप देखने के बाद वो कैसे बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। यहां देखिए तो ओके, लुक एट हियर, हाउ डू यू नो व्हेदर दिस इज एन एसिड और व्हेदर दिस इज अ बेस। जो मेटल्स, पहला तरीका कि जो ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल्स के साथ अटैच होते हैं, तो याद रखें उनका नेचर बेसिक होता है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे बेसिक है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स या नॉन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं, वो हमारे पास जनरली किस नेचर के होते हैं, एसिडिक के। कार्बन नॉन मेटल इसका ऑक्साइड CO2 एसिडिक है, इसी तरीके से SO2 इसके तरह कैसे SO3, दिस इज अ थिंग वन है। या एक और बात बताता हूँ, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड देखा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपाउंड जो ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास बेसिक होंगे, और इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड पे आओगे, ये किसी बात कर रहा हूँ मैं,
ये मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल की। जब पीरियोडिक टेबल की तरफ आओगे तो स्टूडेंट लुक एट हेयर, अब बेसिक से किसकी तरफ आ रहे हो एसिडिक की, तो पॉइंट टू बी नोटेड। लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो हमारे पास उतना क्या होगा एसिडिक होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे क्या होगा बेसिक, दरमियान वाले जो हमारे पास होंगे तो कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे पास किस नेचर के हैं एम्फोटेरिक हैं, जैसे तुम एल्यूमिनियम ऑक्साइड देख लो, तो पॉइंट टू बी नोटेड। एक और दूसरा, एसिडिटी और बेसिसिटी जानने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, शायद ये तुम्हें पता है या नहीं पता, तो याद रखना जितना ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उतना वो स्पीशी का जो नेचर होगा वो क्या होगा एसिडिक होगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा उतना वो स्पीशी हमारे पास क्या होगा बेसिक होगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी एसिडिक, लो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी बेसिक। चलो आप मुझे बताओ, फिर बताओ तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, तुम्हारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तुम्हारे पास H2S है, फैसला करो विच वन विल बी द मोस्ट एसिडिक वन। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस फोर है, यहाँ पे प्लस सिक्स है, सल्फर पे माइनस टू है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे है SO3 पे, तो याद रखें ये इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा हाई होगा उतना वो हमारे पास क्या होगा मोर एसिडिक होगा स्टूडेंट्स। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरीवन क्लियर, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द एसिड एंड बेस कांसेप्ट। जी स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया क्विक रिव्यू करते हैं, आज हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आर्हेनियस लोरियन बॉसेट एंड अनदर वन इज द लेविस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सलाइन, लोरियन बॉसेट प्रोटॉन के साथ। फिर उसमें हमने कंजुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ा, और मैंने कहा हर एक एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो कंजुगेट बेस होता है, हर एक बेस का पॉजिटिव पार्ट क्या होता है कंजुगेट एसिड होता है, ये बताया, और स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कंजुगेट बेस होते हैं वो वीक होते हैं, क्लियर है। फिर हमने लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ा, बताओ इसमें सबसे मोस्ट जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, लेविस कॉन्सेप्ट है। अच्छा आप मुझे बताएं वाटर, हमारे पास कौन सा वाटर कैन नॉट बी, वाटर हमारे पास क्या नहीं हो सकता। ऑप्शन ए आर्हेनियस एसिड, लोरी एंड प्रोस्टेट एसिड, तीसरा लेविस एसिड, और ऑप्शन डी लेविस बेस। अगर एसएमसीक्यूज आ जाए जनरली बात आ चुका है कि वाटर कौन सा कंसेप्ट नहीं हो सकता, तो याद रखो वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे तो सकता है वाटर, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सो वाटर कैन नॉट बी लेविस एसिड, वाटर लेविस एसिड नहीं हो सकता। Thank you very much, students.